Zombie Apocalypse. सो व्हाट इज अप वांटेड आर्मी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई जैसा कि आप सबको याद होगा कि भाई लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी जिगल मूवमेंट के बारे में, जिसका हम कह सकते हैं कि एडवेंचर करने वाले हैं जोनाथन बाबा हमारे, और जोनी ने इसका एडवेंचर किया। भाई जोनाथन की मूवमेंट है, सब ऐसा कहते हैं जिगल मूवमेंट। अब जिगल मूवमेंट में क्या सीन है कि काफ़ी लोग कहते हैं भाई, अगर यूट्यूब पर सर्च भी कर लो तो इतने सारे वीडियोज़ आ जाएंगे ना जिगल मूवमेंट के ऊपर, उनमें से आपको कोई नहीं देखना, आप जाके मेरा वीडियो देखना, मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ उसका टैग एक तरह से, ठीक है। अब भाई सिंपल है, जोनाथन मूवमेंट वाले जो है, जो जिगल मूवमेंट जिसको हम जानते हैं जिसके नाम से, उसमें क्या सीन है भाई, सबको पता है कि लेफ्ट राइट जिगल करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये देखो, ये वो ट्रिक है, मतलब ये मैं तरीका आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे कर रहा होता है लेफ्ट राइट, ठीक है। अब इस मूवमेंट में अगर आप ध्यान से एक चीज़ के ऊपर नजर डालो तो आप सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे, जो आपका पैर के आसपास का सराउंडिंग है उसी प्लेस पे आप लगातार लेफ्ट राइट कर रहे हो। और इस वीडियो में हमने बात करनी है उस मूवमेंट के तोड़ के बारे में, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका एनिमी खड़ा है, तो जिगल मूवमेंट आपकी ये वाली होगी, देखो लेफ्ट राइट बहुत तेज, ठीक है। और इसमें कुछ गलतियाँ जो लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ कई बार गलतियाँ, क्योंकि मैं ये मूवमेंट ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। तो देखो आप इस वाले हिस्से में सिर्फ घूम रहे हो, आप मूवमेंट दे रहे हो तो आप सिर्फ एक सराउंडिंग, एक गोला है उसके अंदर घूम रहे हो, ठीक है। अब वो वाली जो गलतियाँ मैंने आपको बता रखा है उस वाली वीडियो में, वो भी देख लेना जाके। अब देखो भाई सिंपली, आप देखो अगर आपका बंदा यहाँ खड़ा है और आप जिगल मूवमेंट दे रहे हो, अब सोचो सामने वाला बंदा आपको जिगल मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक गोले के अंदर, एक प्लेस के अंदर वो फंसा हुआ है, और ये आपकी जो मूवमेंट होती है वो ये होती है एक बंदे की तरफ, ठीक है। अब जो हमारी मूवमेंट है जो जिगल मूवमेंट के अगेंस्ट होती है, वो क्या होती है, देखो सिंपली आपको लॉन्ग जिगल लेना है। मैंने इसको पर्सनली नाम दिया लॉन्ग जिगल, ऐसे कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका, लॉन्ग जिगल इन द सेंस जो बंदा आपके सामने लेफ्ट राइट बहुत तेज से जिगल कर रहा है, आपको उससे ज़्यादा लंबा जिगल लेना है। जिगल इन द सेंस आपको लेफ्ट में ज़्यादा दूर जाना है, राइट में ज़्यादा दूर जाना है। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कुछ मैं कुछ भी नहीं डाल रहा उठा के वीडियो में। जब सामने वाला बंदा आपके सामने जिगल करेगा, अगर उसका एम अच्छा नहीं है तो आपको लॉन्ग जिगल में नहीं मार पाएगा, क्योंकि जब जिगल करते हो ना आपका फोकस रहता है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। आप खुद मानो ना मानो, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया पे रहता है। जो फुल जैरो शिफ्ट है वो तो काफ़ी कुछ मतलब कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकलने की, और आपको बस हमेशा क्या करना है, जब आप लॉन्ग जिगल लोगे ना, जब स्मॉल जिगल है तो आप देखो ऐसे हेडशॉट ले रहे हो, ठीक है। लॉन्ग जिगल में आपको क्या करना है, अपना जो एम है उसको हेडशॉट पे ऐसी प्रैक्टिस करो कि भाई वो मज़ा आ जाए लिटरली, ठीक है। लॉन्ग जिगल में आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो लंबा वाला जिगल लेना है, जैसे आप वॉल के पीछे हो, सामने बंदा है, ठीक है, लगा लो उस तरफ बंदा है, वही शैक वाली जो चीज़ बनी सामने, आपको ये जिगल लेना है। देखो जोन से कवर से बाहर है, मारा अंदर गए, कवर से बाहर है, मारा अंदर गए। सामने वाला जितना मर्जी जिगल करे, अगर आपका पहला दूसरा शॉट हेड लग गया ना, तो आपका विन है भाई, उस बैटल में आपका विन परफेक्ट है, ठीक है। अब लगा लो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, हम यहाँ पर आपको लॉन्ग जिगल फिर से करेंगे। देखो यहाँ पर सिंपली आपको जोन, यहाँ पे जोन कह रहा हूँ बार बार मैं, कवर से बाहर आना है, जिगल लेना है और अंदर जाना है, ठीक है। ये दो मूवमेंट है, एक तो वो लॉन्ग जिगल और एक कवर से बाहर आके मार के अंदर। तीसरी चीज़ जो हमने जिगल के अगेंस्ट याद रखनी है, वो है भाई हेड शॉट्स जो परमानेंट है भाई, वो देना ही पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे, नहीं तो फिर ले जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे ही आते रहेंगे अगली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।